अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमात हफ्तुम मसनून ज़बानदानी। प्यारे बच्चों, आपको माह जनवरी की वर्कशीट मिल गई होगी या एक दो दिन में आपको ये वर्कशीट मिलने वाली है। तो इस वर्कशीट में हम दो सबक मैंने लिए हैं, सबक नंबर 17 रेल का सफ़र और सबक नंबर 18 कुतुब जुनूबी का मोहनजो। तो इस वर्कशीट को के सवाल किस तरह से हल करना है, इसकी एक थोड़ी सी गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दे रही हूँ। तो सबक नंबर नज़म नंबर 17 है, रेल का सफ़र। इसके ताल्लुक से सवाल नंबर 1 में आपको पूछा गया है कि दिए गए अल्फाज के सही मायने के आगे चौकोन में सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर तीन अल्फाज है, मरदमशुमारी, बहम और आशनाई। तो आपको अगर इसके जवाब मालूम है तो आपको सही जवाब के आगे टिक करना है, और अगर आपको इसका सही जवाब नहीं पता है तो मायने और इशारात के ज़रिए, मानी और इशारात में इनके जवाब दिए हुए हैं, आप देखकर वहां पर इनके सही जवाब की टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसी इस तरह से सवाल नंबर 2 है, जान पहचान। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 जान पहचान, जो मुसन्निफ़ का जो शायर का जो तारुफ दिया हुआ है, वो शायर का तारुफ सफ़ा नंबर 63 पर है। तो वो तारुफ आपको जान पहचान पढ़ना है, वो तारुफ शायर का पढ़ना है, और यहाँ पर उनके ताल्लुक से एक खाका दिया हुआ है, ये खाका आपको मुकम्मल करना है। जैसे सैयद ज़मीर जाफरी, ये इस नज़म के शायर हैं, रेल का सफ़र नज़म के शायर हैं। तो उनकी सन पैदाइश क्या है तो वो यहाँ लिखना है, उनका सन इंतकाल क्या है तो वो यहाँ लिखना है, और उनकी शायरी मजमूए क्या है, दो किताबें उनकी जो शायरी के मजमूए की छपी है वो उनके नाम यहाँ पर लिखना है। ये आपको सफ़ा नंबर 63 पर जान पहचान में इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है बच्चों, नज़म पढ़कर अशआर मुकम्मल कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है आपके लिए, बहुत आसान होगा कि आपको नज़म पढ़ना है। अगर पहला मिसरा दिया हुआ है तो दूसरा मिसरा आपको लिखना है, और अगर दूसरा मिसरा दिया हुआ है तो पहला मिसरा आपको लिखना है, और इस तरह से अशआर को मुकम्मल करना है, ठीक है। फिर सवाल नंबर 4 है आपका, चौकों से मुनासिब अल्फाज मुंतखब करके कहावत लिखिए। तो यहाँ पर बूढ़ी, जितने बद अच्छा उतनी बातें, लाल लगाम, बुरा घोड़ी और बदनाम, तो यहाँ पर तीन कहावत बन सकती है। तो आपको तीन कहावत में से, जैसे बूढ़ी, घोड़ी, लाल लगाम, ये कहावत है, तो ये कहावत आपको एक यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा इसी इन्हीं अल्फाज से दूसरी और तीसरी कहावत आपको मुकम्मल करके यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद बच्चों, चौथा जो आगे का जो सबक है वो है सबक नंबर 18, और वो है कुतुब जुनूबी का मोहनजो। तो इसमें आपको क्या करना है, सवाल नंबर 1 आपका है मानी लिखना है, इसके भी मानी और इशारात आपने सफ़ा नंबर 69 पर दिए हुए हैं। आपको ये जो अल्फाज दिए हुए हैं, ये अल्फाज के मानी अगर आपको पता है तो आप खुद से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अगर नहीं मिलते हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, दिल नहीं छोटा करना है, आपको किताब में सफ़ा नंबर 69 निकालना है और खोलकर इन अल्फाज के मायने आपको उसमें से देखकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे है सवाल नंबर 2, यहाँ पर इसी सबक का एक पैराग्राफ मैंने लिया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और इस पैराग्राफ में से तीन सवाल के जवाब आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे टीम ने कितने किलोमीटर का फासला तय किया, तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में ये जवाब आपको मिल जाएगा कि टीम ने कितने किलोमीटर का फासला तय किया, ठीक है। इस तरह से दूसरे सवाल का और तीसरे सवाल का जवाब भी आपको इसमें से ही ढूंढकर इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे तीसरा सवाल क्या है। तो बच्चों, तीसरा सवाल ये है कि इस सबक में बच्चों बहुत सारे तारीख और सन लिखे हुए हैं, और आपको क्या करना है कि सबक के हवाले से उस दिन होने वाले वाक़यात या अहम बात आपको उसके आगे लिखना है। मतलब इस सबक में कौन सा सबक है जिसकी बात कर रहे हैं हम, कुतुब जुनूबी का मोहनजो। इस सबक में आपको बहुत सारी तारीखें और सन लिखे हुए मिलेंगे, आपको जो है वो उन यहाँ पर जो 5 तारीख और जो सन दिए हुए हैं उसके ताल्लुक से उस दिन क्या अहम बात हुई, क्या अहम वाक़या हुआ, वो आपको मुख्तसर यहाँ पर लिखना है।
बहुत सारी तारीखें हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जो अहम 20 जो अहम 5 तारीखें हैं वो मैंने यहाँ पर ली हैं। उसके अलावा चौथा सवाल है, दर्ज झेल जुमलों के आगे ज़माने माजी की किस्म पहचान कर लिखिए। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 71 पर ज़माने माजी की अकसाम दी हुई हैं, वो आपको समझना है और आपके टीचर ने आपको समझाया भी होगा। और अगर एक बार आपस से इस वर्कशीट को हल करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और समझने की कोशिश करें और फिर इन जुमलों को पढ़ें और उसके बाद ज़माने माजी की जो भी किस्म आती है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल ये है कि आपको मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 3 मुहावरे दिए हुए हैं, तीनों मुहावरों के मतलब समझते हुए उसको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। और अगर बच्चों आपको कुछ ना समझ में आए तो जो आप टीचर से रابطہ कायम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जब जूम पर हम मिलेंगे तो हम ये पेपर डिस्कस करेंगे और आपने सही जवाब लिखे हैं या नहीं वो भी साथ ही साथ चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।